नासिरुद्दीन थाने में मौजूद है। मरकजी मुलजिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्यों किया, कैसे हुआ, किसी ने उकसाया या खुद शैतान नाजिल हुआ, वाकया क्या था, मुलजिम की जुबान से सुनते हैं। क्या नाम है अभी आपका? मोहसिन। मोहसिन, उम्र कितनी है आपकी? 17 साल। अंडर 18 है? गलिबन स्कूल भी जाते होंगे? किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। मैट्रिक एग्जाम दिए हैं या देने हैं? दे दिए। कितने बहन भाई हैं? 5 में। कोई कारोबार, कोई बाप की मदद करवाते हो, क्या करते हो? नहीं, स्कूल ही जाते। स्कूल ही जाते हो बस? वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब बाहर होते हैं, बैरूनी मुल्क होते हैं। बड़े हो सबसे? नहीं, छोटा हूँ। सबसे छोटे हो? ऐसा क्या हो गया था कि तुमने अपने ही कजन को मार डाला और बेरहमी से मार डाला? बस आपस में लगने की ना वजह से एक दो दफा लड़ाई हुई है। वो ऊंची बोलो, तुम की आवाज नहीं आ रही। आपस में बनने की ना वजह से। ना बनने की क्या ना वजह थी, वापस वालिदैन की तो बनती है आपस में। लड़ाई एक दो दफा किस बात से हुई थी? वैसे ही इधर बैठे बैठे वो करता था वैसे भी नशे ही, तो एक दो दफा लड़ाई होगी। किस बात पे, खुल के बताओ। वैसे ही एक दो दफा लड़ाई। बेटा वैसे लड़ाई नहीं होती होती, वैसे कोई थप्पड़ नहीं मारता किसी को, तुमने फायर निकाल दिया। खुल के बताओ। खुल। कोई तुम्हारे साथ गलत हुआ तो भी बताओ, कुछ तुमने उसके साथ गलत किया तो भी बताओ। नहीं, सच पे तो मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह भी माफ कर देता है, शायद कोई गुंजाइश निकल आए। सच बोलो। नहीं, सच ही। सच क्या है, खुल के बताओ। सच सच ही है ना, मैंने उसको फायर मार दिया। क्यों मारा? बस कोई रिश्ते की लड़ाई थी जी। जमीन जायदाद की लड़ाई थी? कोई उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था? क्यों मारा था? वैसे ही लड़े थे ना एक दो। किस बात पे, वही तो पूछ रही। नशे में था वो भी। किस बात पे लड़े थे? नशे में वैसे ही लड़ पाते हैं। अच्छा, ऐसे वाली कहानी मुझे समझ नहीं आ रही लड़ाई की। तुम्हारी इतनी नफरत कि तुमने उसे पहले फायर मारे, फिर तुम्हारा अपना खूनी रिश्ता था, तुमने उसे कहीं मार के फिर उसे मनो मट्टी के नीचे दबा दिया जिंदा को। इतनी नफरत ऐसे नहीं होती होती। वैसे भी नफरत थी। क्यों थी? मतलब जाति वाली केस था। क्या केस था? जाति जाति एक दफा मतलब लेके गए थे। खुल के बताओ, परेशान नहीं हो, खुल के बताओ क्या हुआ था। तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? कौन लेके गया था? यही ले गया। थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा। यही गया। ये कजन लेके गया था तुम्हें? फिर जाति जाति किसी बाकी मैंने कहा था। तुमने घर में बताया आके? नहीं। फिर मैंने फायर मार दिया। कितना अर्सा पहले का वाकया है ये? तीन चार माह पहले इस कजन ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बदले में तुमने इसको जान से मार दिया। 4 महीने से प्लानिंग कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था, या अभी किसी ने समझाया था कि ऐसे कर दो? नहीं, मौका नहीं मिल रहा था। मौका नहीं मिल रहा था। असला कहाँ से लिया था? असला मैंने इसी से लिया था। अच्छी दोस्ती थी जी, जब इसने ये सब कर लिया उसके बाद भी इसके साथ सलाम दुआ थी? उसके बाद भी ये मामला चलता रहा इसी तरह तुम्हारे साथ करता रहा सब कुछ? नहीं किया। कभी मजबूर किया उसके बाद? नहीं। कोई धमकाया कि किसी को बताना नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर ना वो अंडर प्रेशर नहीं कर रहा था, वो कुछ कह नहीं रहा था, सलाम दुआ भी ठीक थी, घर में भी तुमने बताना मुनासिब नहीं समझा। ये अचानक 4 महीने बाद, तब तक तो गुस्सा भी ठंडा हो जाता है इंसान का। फायर खोलने की बात मुझे समझ नहीं आई, किसी ने समझाई ये बात? नहीं है अभी। किसी को घर में बताने की कोशिश की, किसी कजन को, किसी बहन भाई को? नहीं। अच्छा, प्लानिंग कैसे की थी? मैं ही लेके गया था और मैंने ही कहा था उधर काम जाना है और फिर। नहीं, उसे असला कैसे लिया था, कितने दिन पहले लिया था? उससे मैंने एक दो दिन पहले लिया था। मैंने कहा असला दो, काम है मुझे, तो फिर उसने दे दिया था। फिर उस दिन कैसे बुलाया उसको? उसको मैंने कहा एक लड़का से मिलने जाना है और हवा चले, और फिर वहाँ जाकर मैंने उसको मार दिया था। पीछे से फायर मारा था। तो कहाँ बैठा था उस वक्त? बाइक पर। बाइक पर बैठा था और तुम कहाँ खड़े थे? मैं उसके पीछे। कहाँ फायर मारा था उसे? पीछे। वो जिंदा था उस वक्त तक? जी। फिर उसने क्या किया? भाग गया था, फिर उसने कार मैसेज कर दिया था। तुम उसके पीछे भागे? जी। फिर भागा, फिर मैंने उसे उठाया और फिर भागा और उठाया। उठाया तो गिरे हुए बंदे को जाता है ना, वो तो भाग रहा था, तो कहाँ से उठाया? भाग रहा था और जैसे ही कुछ देर बाद भाग रहा था, फिर वो होती
मतलब गिर गया था। तुम अकेले ही काम नहीं कर सकते, कोई तो होगा साथ। कौन था? वो चाचा का बेटा। वो एक और चाचा का बेटा था जो तुम्हारे साथ उस दिन शामिल था। जी। अच्छा, वो तुम्हारे जितना क्या तुमसे बड़ा है? बड़ा। अच्छा, फिर तुम दोनों ने इसको उठाया, फिर क्या किया? फिर दफना दिया। दफना दिया? क्या करता दूसरा वो? अच्छा, तो वो छुट्टी आया हुआ था, वो वापस चला गया। तुम्हें इंतजार किया उसके वापस जाने का? नहीं, जब मार ही दिया था तो क्यों गाड़ा? अगर तुम खुद ही पुलिस के सामने पेश होना चाहते थे, छुपाने की क्या जरूरत थी? उसे गोलियां मारी, फिर उसे कईयां मारी, वो जख्मी था, शदीद जख्मी था, आखिरी सांसें थी उसकी। फिर उसे गड़े में गड़ा खोदा, गड़े में उसको फेंक दिया, उसकी सांसें भी आखिरी तक खत्म हो जाए, वो किसी को बता ना सके, वो कहीं खुदा ना खास्ता बच ना जाए। तुम लोग तो यही चाह रहे थे ना, तो अगर उसको मारने की नियत थी तो उसे वैसे जिंदा वहां पर ही बाहर ही उसको मार देते या जख्मी करके जैसे छोड़ देता। इतना गुस्सा, इतना इंतकाम कि उसे गड़े में दफना दिया, गड़े में उसको फेंक दिया, छुपा दिया कि अगर वो अंदर मरता भी है तो उसकी डेड बॉडी ना मिले किसी को। इतना इंतकाम था, तो अगर पुलिस के सामने पेश ही होना था तो इसकी नौबत क्यों आई? पुलिस के सामने तो वैसे ही पेश हूँ मैं कि पता चल गया था सबको कि मार दिए, इसलिए पेश हुए थे। जी। गड़ा पहले से खोदा हुआ था या बाद में खोदा था? नहीं, पहले खोदा हुआ था, यानी प्लान किया हुआ था पूरा कि फायर मारेंगे और उसके बाद उसको गड्ढे में फेंक देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। अच्छा, ये कितने बजे का वाक्य है? शाम के बाद। शाम मतलब असर के बाद, मगरिब के बाद? मगरिब। मगरिब के वक्त का वाक्य। शर्मिंदगी अपनी किए थे? किस बात की शर्मिंदगी? पकड़े गए? नहीं। मारने की शर्मिंदगी तो लग नहीं रही मुझे। नहीं है शर्मिंदगी। हाजरीन, अंडर 18 ये लड़का, इसको उकसाने में इसका वो कजन जो लगभग 25 से 30 के दरमियान है, वो भी बाकायदा मुलजिम है। उसने अपनी को गिरज निकाली, इसके साथ तो जो हुआ हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना, कुछ इसी तरह का शायद कारनामा उस दिन भी सर अंजाम दिया गया। बहुत ज्यादा कोई मतलब मुझे नहीं लगता खेती बाड़ी करते हो गए, तो ये तुमने अकेले खोद लिया इतना? इसको कितनी देर लगी तुम्हें खोदने में, या कोई और साथ था? नहीं, मैंने अकेले ही खोदा था। कितनी देर लगी थी? लगा था कोई 10-20 मिनट। 10-20 मिनट? तुम होगे ट्रेन हो है कि वो मिट्टी उठाई, डिग की और एक साइड पे फेंक दी? इंसान को तो नहीं इतना वक्त लगता। जगह बारिश हुई थी, जगह मतलब मजीद गिल्ली थी। अच्छा, और खोद लिया? उसके आने से पहले खोद चुके हुए थे? ट्रेनिंग क्या थी कि अगर पता ना चलता कि तुम लोगों ने मारा है, वो ऑडियो मैसेज घर पे ना करता तो क्या प्लानिंग थी? चुप रहोगे या बता दोगे? चुप रहना था, बताना नहीं था फिर किसी को? जो हो गया था उसमें सुकून था तुम्हें? ये तो कानून तुम्हें बताएगा कि तुमने इस उम्र में कितना बड़ा जुर्म कर लिया। फायर किसने मारे थे? मैंने मारे। और कई के वार किसने किए थे? कई के उसने। किसने? उसने साथ कसम। उसने किए थे? उसका नाम क्या? शानी। पूरा नाम? निशान। निशान। उसने वार किए थे? इस बात से तो एक चीज बड़ी क्लियर सामने आ रही है कि वो इस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ था हुआ था, जिशान और शानी को अपना कोई मतलब या ग्रज जरूर थी।